हाय गाइस, मैं शॉन, तो आप देख रहे हैं कल शॉन, और स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप MIUI 12 का बग्स को फिक्स कर सकते हैं कोई भी पोकोड वेस में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पोको डिवाइस अगर आप अब यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे आप MIUI 12 में जो अभी बग्स को फेस कर रहे हैं उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। काफी इजी ट्रिक है जिससे कि आप फिक्स कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जल्दी 40K तक मुझे पहुंचाना है, तो जल्दी पहुंचाइए। और अगर आप पोको M2 Pro, X2 या अगर आप M2 यूज़ कर रहे हैं या C3, तो इसमें अपडेट के साथ MIUI 12 का आपको बहुत ज़्यादा बग्स देखने को मिला या अपडेट के साथ बहुत ज़्यादा जो बग है वो आया है। तो ऑब्वियसली कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको पहले जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद आपको जाना होगा मैनेज ऐप्स में, और मैनेज ऐप्स में आपको ऐप को सर्च करना होगा जो ऐप में आपको फील हो रहा है कि वो लैग कर रहा है या उसमें कुछ बग्स है, तो जिसको कि आप डायरेक्टली फिक्स कर सकते हो। सिंपली आप समझ लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पोको लॉन्चर, क्योंकि पोको लॉन्चर में M2 Pro में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होता है, कभी एनिमेशन शो नहीं होता, कभी लैग करता है। सिंपली आप जाइए, सर्च करके उस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अनइंस्टॉल, अपडेट, क्लियर डाटा। तो अगर आपको मतलब एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो सिंपली आप अनइंस्टॉल अपडेट कर लीजिए, तो ऑब्वियसली वो फैक्ट्री वाला जो है अपडेट में वो चल जाएगा, तो उसमें आपको बग जो फिक्स हो जाएगा। और आपका कंपनी मतलब शाओमी की तरफ से आंसर मिला है पोको इंडिया की तरफ से कि अगर आप क्लियर डाटा कर लीजिएगा जो ऐप आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो जो बग फिक्स हो जाना चाहिए। तो ये आपका पोको इंडिया सपोर्ट की तरफ से आंसर मिला, जो कि मैं ऐसे क्वेश्चन कर लिया था कि कैसे फिक्स हो सकता है ऐप्स प्रॉब्लम जो कि बग्स बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है। तो वो लोगों की तरफ से आंसर है कि क्लियर डाटा, जो भी ऐप मतलब आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सिंपली उसका क्लियर डाटा कर दिए तो ये फिक्स हो जाएगा। और सेकंड जो है, अगर आप फ़ोन का जो है सिक्योरिटी ऐप में ऑप्टिमाइजेशन और क्लीनिंग और सिक्योरिटी स्कैन नहीं कर रहे हैं तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली Xiaomi जो है स्लो करता है। ये मुझे मतलब काफ़ी दिन से एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला है कि ये जो है अगर आप सिक्योरिटी ऐप को ओपन नहीं कीजिएगा बहुत दिन, अराउंड 7 to 8 days अगर आप उसको यूज़ नहीं कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन जो है धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये मतलब होना चाहिए, क्योंकि आजकल फ़ोन काफ़ी केपेबल है। अब फ्लैगशिप फ़ोन के साथ भी ये क्लीनर देखने को मिलता है जो कि यूज़ करना ही होगा, नहीं तो आपका धीरे धीरे जंक अपने आप क्रिएट होने लगेगा और इससे आपका फ़ोन जो है काइंड ऑफ टेम्पलेट से स्लो हो जाता है या जानबूझ के स्लो किया जाता है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं जानबूझ के स्लो किया जाता है। तो ये आपको स्कैनर, क्लीनर, अपडेट सब कुछ आपको करते रहना होगा, तो जाके आपका फ़ोन जो है काइंड ऑफ परफेक्ट रहेगा। स्पीड बूस्ट बहुत कुछ देखने को मिलता है जो कि काइंड ऑफ यूजलेस है मेरे हिसाब से, बट अब Xiaomi के लिए ये इंपॉर्टेंट ऐप है, इसको यूज़ करना होगा तो ही जाकर आपका फ़ोन जो है मतलब टॉप ऑफ द लाइन जो आपका परफॉर्मेंस स्टार्टिंग के टाइम से वो आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको क्लीनर को जो है मतलब सिक्योरिटी आपको यूज़ करना होगा, क्लीन करना होगा। और लास्ट जो है मेन जो थिंग है वो आपको जैसे ही लेटेस्ट MIUI 12 का अपडेट है या कोई भी अपडेट है उसको आपको रिव्यूज़ देखने के बाद एक दो दिन अपडेट कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट के साथ नया बग्स देखने को मिलेगा, कुछ बग्स फिक्स होता हुआ देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादातर बग्स फिक्स होता है और ज़्यादा बग्स आता है। तो सिंपली आप अपडेट कर लीजिए, कुछ आपका प्रॉब्लम जो है फिक्स होते हुए देखने को मिल जाएगा और कुछ प्रॉब्लम आपको नया देखने को मिल जाएगा। तो यही है Xiaomi, Poco, Redmi का कहानी जो कि और मतलब लास्ट जो है कि आप सिस्टम ऐप अपडेट में भी जाके अपडेट कर लीजिए, ज़्यादातर सिस्टम ऐप्स का अपडेट जो है इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि आपका सप्ताह दो सप्ताह में कभी कभी कोई कोई ऐप्स में आने मतलब आ ही जाता है अपडेट। तो ऑब्वियसली जाकर चेक करते रहिए आपका जो ये सब प्रॉब्लम्स, अगर आप सही से ध्यान रखिए तो आपका फ़ोन जो है पहले से अच्छा जो है परफॉर्म करेगा और पहले से अच्छा मतलब आपको यूज़र एक्सपीरियंस मिलने वाला। और जो है लास्ट जो ट्रिक है, आप फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए टाइम टू टाइम करीब 3-4 दिन में, तो शायद आपका फ़ोन जो है सही से काम करना शुरू कर दे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा सही में काम किया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप कर सकते हैं। बेल आइकन को टैप करने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं तो कल कुछ से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।